गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल क्लास नाइन्थ में अपना जो चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को अपन कंटिन्यू करें। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ सेल ऑर्गेनल बता दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको प्लास्टिड के बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था, और आज मैं आपको नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है बॉडी सेल ऑर्गन, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट वे में इसको हम कहते हैं बेटा ईआर। शॉर्ट वे में क्या बोलेंगे इसको? ईआर। अब ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किस नाम से जानते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप के ईआर हैं, कहाँ ये प्रेजेंट होता है, यह आज हम देखते हैं बेटा। आई थिंक आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, उनको वॉच किया होगा, उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो बेटा। आज हम ले रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आफ्टर न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहेंगे बेटा, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक और आर फॉर रेटिकुलम। देखिए बेटा, डिस्कवर बाय पॉटर एंड कॉलमैन इन 1945, ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। पॉटर एंड कॉलमैन, ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया। एक्चुअली है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन एंड डिफरेंट शेप एंड साइज इन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो एक दूसरी मेम्ब्रेन को इंटरकनेक्टेड कर रहा होगा, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर या किसी भी सेल के अंदर, तो उसके अंदर जो इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन को जो नेटवर्क लिंक करेगा, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ईआर, या उसको अदर लैंग्वेज में हम बोलेंगे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस भी आ सकता है, अलग से पूछा क्वेश्चन जा सकता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अदर लैंग्वेज में हम बोलेंगे बेटा ए ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हो सकता है आपको एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर ये नहीं मिले, पर आपको ये याद रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम है ए ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू नो वेरी वेल। सेकेंड पॉइंट बेटा, इट्स फॉर्म्ड स्मूथ मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है स्मूथ होती है। स्मूथ का मतलब क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है बेटा। नो राइबोसोम अटैच टू मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे राइबोसोम क्यों होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे। एक बार समझो, जो भी इसकी मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस पार्ट होगा उस पर जो राइबोसोम होंगे वो क्यों होंगे बेटा? वहाँ एब्सेंट होंगे, तभी अपन लिखें बेटा नो राइबोसोम अटैच टू सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपके पास है तो इसका जो सरफेस पार्ट है इस पर राइबोसोम एब्सेंट है, और राइबोसोम एब्सेंट है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आता है, इट इज फाउंड इन एडिपोज सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स। एडिपोज सेल्स क्या होती है, इसको अदर लैंग्वेज में हम फैट्स कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स को स्टोर कर रही है, तो वहाँ भी है हो सकता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंटेस्टाइनल सेल्स जो होगी वहाँ भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। किस टाइप का? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदर लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे बेटा? ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कभी भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कहाँ होगा, तो एडिपोज सेल्स और इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर होता है, ठीक बेटा। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट लाइक इसका अपोजिट। सेकेंड, राइबोसोम अटैच टू ए मेम्ब्रेन, इसके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट है, जबकि इसकी सरफेस पे क्या होगा बेटा? राइबोसोम होंगे, और राइबोसोम जो आप ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये इसकी सरफेस पे राइबोसोम है, और सरफेस पे राइबोसोम है यानी किस टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिएट होगा बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर लैंग्वेज में ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम का यूनिवर्सल मेन फंक्शन है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, या अदर लैंग्वेज होते हैं इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसाइज। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है तो राइबोसोम करेगा, और जहां राइबोसोम प्रेजेंट है यानी विच टाइप ऑफ ईआर?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन प्लाज्मा सेल्स, लीवर सेल्स, तो ये दोनों सेल्स है जहां पे किस टाइप का रेटिकुलम होगा बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिसको अदर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईआर, दो, स्मूथ अदर लैंग्वेज एक ग्रेन्युलर, रफ अदर लैंग्वेज बोलेंगे ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दो टाइप के हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब किस किस से कंपोजिशन से वो मिलकर बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर में यूनिवर्सल सिस्टर्नी पहला पार्ट है, सेकंड आ रहा बेटा इसका वेसाइकल्स, एंड देन थर्ड पार्ट आ रहा है इसका बेटा ट्यूब्यूल्स। तो ये तीनों इसके मेन पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टर्नी की, अपन ने इससे पहले कोई वीडियो पढ़ा देखा था, उसके अंदर भी एक सेन ऑर्गेनल बताया था मैंने, गॉल्जी बॉडी, तो उसके अंदर भी सिस्टर्नी वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स आए थे। आज यहाँ भी है सिस्टर्नी, एलोंगेटेड शेप होगा, फ्लैटेंड हो सकता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, तो सिस्टर्नी को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। सेकंड, इसका डायमीटर अप्रॉक्स बताया गया 40 से लेकर 50 माइक्रोम्यू, तो 40 टू 50 माइक्रोम्यू डायमीटर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड है, इट मींस एलोंगेटेड है, तो सिस्टर्नी है। ये मैंने आपको डायग्राम भी बता रखा बेटा, ये ठीक बेटा। सेकेंड आ रहा है वेसाइकल्स, राउंड शेप हो, ओवल शेप हो, इट मींस वो वेसाइकल्स है। इसका डायमीटर भी 25 से लेके 500 माइक्रोम्यू, तो ये इसकी यूनिट है बेटा, तो इसका डायमीटर हमें बता रखा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये बता रखा है वेसाइकल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ओवल शेप, राउंड शेप, दैट्स वो वेसाइकल्स है। नेक्स्ट आ रहा है ट्यूब्यूल्स, स्मॉल स्मूथ ब्रांज्ड, लिखिए बेटा स्मॉल हो, स्मूथ हो, ब्रांज्ड हो, और डायमीटर अप्रॉक्स 50 से लेकर 100 माइक्रोम्यू, तो वो किसको डिपेंड करेगा बेटा, ट्यूब्यूल्स को। इसका डायग्राम भी मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। यानी इन शॉर्ट में मैं बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तीन पार्ट से मिलकर बना है, पहला सिस्टर्नी, सेकेंड इसके बारे वेसाइकल्स, एंड देन थर्ड आ रहा है ट्यूब्यूल्स। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक मेन बॉडी सेल ऑर्गेनल। अब बात उठती है इसका फंक्शन क्या है, पहला इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हो रही है तो उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा। सेकंड्स, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो केवल कौन है बेटा, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ईआर कौन सा ईआर रिस्पॉन्सिबल होगा वहां पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, वाई, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे और राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए कहा जाता है कि मेन ईआर का जो फंक्शन है वो क्या है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल ऑर्गेनल बेटा वो ईआर है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर इतना बेटा, तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले ईआर को शॉर्ट फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिस्कवरर बाय कैसा हमें उसका शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिख रहा है मैट्रिक्स के अंदर, टाइप ऑफ ईआर दो हैं, स्मूथ और रफ, स्मूथ को हम किस नाम से बोल रहे हैं, ए ग्रैन्युलर, रफ को ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर यानी स्मूथ और रफ, स्मूथ मतलब उसकी सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट हैं तो स्मूथ होगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम यानी वो रफ होगा, ठीक, कहाँ कहाँ सिचुएटेड होंगे, स्मूथ कहाँ होगा, रफ कहाँ होगा, ये उसका स्ट्रक्चर तीन पार्ट में डिवाइड है, तीनों का शेप कैसा होगा, तीनों का डायमीटर अप्रॉक्स कैसा होगा, और यहाँ तक कि उसके मैंने फंक्शन बता दिए। तो आई थिंक आपको शायद ये ईआर क्लियर हुआ होगा, ईआर इट मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी को कोई डाउट और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आज अपना लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद डिस्कवर्ड डी ड्यू व्हेन 1949। लाइजोसोम्स का मीन क्या है बेटा, लाइजोसोम्स का मीन है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लाइजोम इन स्प्लिट्स टिंग और सोम यानी बॉडी, अदर लैंग्वेज में इसको हम डाइजेस्टिव बॉडी भी कह सकते हैं लाइसोसोम्स को। और लाइसोसोम जो है उसकी खास प्रॉपर्टी है,
किसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है? लाइसोसोम को। फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग, तो लाइसोसोम्स या डाइजेस्टिव बॉडी, बात एक ही है बेटा। ठीक, सुसाइडल बैग क्यों कहेंगे उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, कंपोजिशन किस किस से मिलकर बना होगा बेटा? प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, और एंजाइम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। अकरेंस बोथ टाइप ऑफ सेल, एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल के अंदर भी होगा बेटा ये। ठीक, साइज 0.23 से लेके 0.50 म्यू, ये इसकी साइज है बेटा। ह्यूमन आरबीसी के अंदर एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट, सुसाइडल बैग क्यों करें? मैंने आपको बताया था किसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जा रहा है, उसका रीजन सुन लो बेटा। बिकॉज दे डाइजेस्ट डैमेज एंड एजिंग सेल्स एंड ऑल्सो एक्सटर्नल पार्टिकल, तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है या फॉरेन पार्टिकल है जब इसके अंदर एंटिटी कर जाता है तब इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे उस वो एंजाइम इसको किल कर देंगे, डैमेज कर देंगे, इसके कारण इस और सेल ऑर्गेनेल को हम क्या कह रहे हैं बेटा? सुसाइडल बैग कह रहे हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो डिफरेंट टाइप के फॉरेन पार्टिकल, जो माइक्रोब्स हैं, जो एक्सटर्नल पार्टिकल को किल कर देते हैं, इसके कारण इसको सुसाइडल बैग कह रहे हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट, लाइसोसोम एंजाइम वर्क एट एसिडिक मीडियम, जो लाइसोसोम जो वर्क करेगा तब उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो एसिडिक होगी, और आप लोगों को एक बता दूं एसिडिक पीएच वैल्यू उसका मतलब जो नेचर है वो एसिडिक नेचर हुआ, इसकी पीएच वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना बेटा 5.0 के लगभग होती है। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम? 4, पहला प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स की आइडेंटिफिकेशन है कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक, सेकेंड आ रहा है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, इसको अदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? डाइजेस्टिव वैक्यूल होगी। प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड दोनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। थर्ड आएगा रेसिडुअल लाइसोसोम्स, इस सेकेंडरी लाइसोसोम्स विद अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर वो भी किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग पार्ट। नेक्स्ट आ रहा है ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स, इट इज फॉर्म बाय लाइसोसोम विद डाइजेस्ट इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर, कहने का मतलब हो गया कि ये ऐसा लाइसोसोम्स है जो इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर हो गया, राइबोसोम हो गया, इनसे मिलके जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। और ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ऑटो मीन्स सेल्फ और लाइज मीन्स ब्रेक डाउन, तो कहने का मतलब हो गया दे आर 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल, ऑटोफेजिक। ये आप नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा क्योंकि 9th क्लास में इतना डीप नहीं है, पर क्लास 11th वालों के लिए ध्यान रखना उसमें आपको इसके टाइप्स भी लिखने पड़ेंगे एंड देन इसका फंक्शन। फंक्शन मेन क्या है कि इसको सुसाइडल बैग करें, तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल एक्सटर्नल पार्टिकल जो हैं बैक्टीरिया वायरस माइक्रोब्स उनको ये किल कर देता है, इसके कारण इसको हम क्या कह रहे हैं? सुसाइडल बैग कह रहे हैं। तो आज ये आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया बेटा। सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से पढ़ें एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड क्लास स्टेट, ठीक, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा फिर अपन ने न्यूक्लियस पढ़ा था, फिर इसके बाद अपने लाइसोसोम पढ़ा, गॉल्जी अपैरेटस पढ़ लिया। तो ये आपके मेन आपके सेल ऑर्गेनेल है जो से बेस्ड आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इन चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना। बायो का चैप्टर है, इंटरेस्टेड चैप्टर है, स्कोरिंग नंबर वाला चैप्टर है, डायग्राम अच्छी तरह कर लेना, प्लांट सेल एनिमल सेल यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स के डायग्राम कर लेना, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ लेना, सेल थ्योरी पढ़ लेना, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ लेना, तो ये आप कर लोगे तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो को वॉच करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।